हेलो दोस्तों, तो हम लोग आपका कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर देख रहे थे। अब उसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे आपका इम्पोर्टेंस ऑफ द आयनोस्फेयर के बारे में, थोड़ा और इसको तोड़ते हैं और समझते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। अब हम लोग आपको बात करेंगे यहाँ पे आयनोस्फीयर के बारे में। देखिए आपका, हम लोग पढ़े क्या, तो हम लोगों ने पढ़ा है आपका कि यह जो है सो आपका अर्थ हो गया, ओके। और अर्थ के बाद में आपका यह ट्रोपोस्फीयर हो गया, उसके ऊपर यह स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, उसके ऊपर यह मीजोस्फीयर हो गया, और फिर जो है सो आपका आयनोस्फीयर हुआ, फिर जो है सो एग्जोस्फीयर हुआ, और फिर थर्मोस्फीयर हुआ, ओके। तो हमें, चूँकि हमें जो काम करना है, वह काम करना है आपका कि आपका जो मीजोस्फीयर, उसके बाद में E1, E2, F1, F2, NG लेयर हो गया। तो यहाँ पे आपका हो गया E1, E2 लेयर, F1 एंड F2 लेयर, एंड फाइनल लेयर इज द G लेयर। ओके, फाइनल लेयर इज द G लेयर, ओके। आपको दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से। तो अब यहाँ पे हम लोग अब यहाँ पे बात करेंगे आयनोस्फीयर के बारे में। अगर हम डिटेल में थोड़ा बात करें आपसे, तो 80 से लेकर के यह 400 किलोमीटर तक होता है, फोर हंड्रेड किलोमीटर तक यह स्प्रेड है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे जब सन की एक्स रेज और गामा रेज जब आती है, तो इस लेयर में आपका O2 और N2 पाए जाते हैं। तो इस पे अटैक करके इसको आपका एटॉमिक में तोड़ देगा, या हम कहें कि इसको आयोनाइज कर देगा। आयोनाइज करने के बाद में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ऊपर और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नीचे हो जाएगा। तो यह टूट गया, ठीक है। जब यह टूट गया तो बॉम्बार्डमेंट के कारण क्या हो गया, यहाँ पे आयोनाइज हो गया, या आयोनाइजेशन हो गया O2 और N2 का, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, यह कि आपको, क्योंकि यह कब हो रहा, दिन में हो रहा, तो दिन में यह एक्सपेंड करेगा और नाइट में यह कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ओके। तो डे में यह एक्सपेंड करेगा और नाइट में क्या करेगा, यह कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्यों कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसलिए क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपका ये फिर से जुड़ जाएगा N2 और OT, और दिन में यह जैसे टूट जाएगा, ठीक है। तो रात में यह सिकुड़ रहा है और दिन में यह फैल रहा है। तो सिकुड़ने और फैलने के कारण क्या होता है कि जो हमारी, हम लोग रेडियो वेव, जो अपन रेडियो वेव यहाँ से भेजते हैं, तो दिन में फैल गया तो पतला हो गया, तो आपको कम सुनाई देगा, आवाज़ें टूट टूट के आएगी। और रात में चूंकि यह सब जुड़ जाएगा, तो आपकी जो भी यहाँ से वेव भेजेंगे उसे रिटर्न होकर अच्छा आएगा, तो आपको अच्छा सुनाई देगा। तो यह एक फ़ायदा है इसका, ठीक है। तो ये हमें समझने के लिए बस इतना ही भर का एक कंसेप्ट था, बाकी इसमें हम तो बाकी अभी पढ़ाएंगे, लेकिन एक तरीका जो है सो एक चीज़ बता रहा हूँ जो इसका फ़ायदा है, यही इम्पोर्टेंस है। तो अब हमें क्या होता है कि
द वेव गोइंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस से तो वेव जो है हमारा अर्थ सरफेस से जो ऊपर जाता है आयनोस्फीयर से टकराता है स्ट्राइक करता है और फिर क्या होता है लौट आता है। तो यह जो है सो इसका फायदा क्या होता है कि इजी टू रेडियो कम्युनिकेशन तो गया और रिटर्न हो गया तो इसके कारण हमारा रेडियो जो आपका कम्युनिकेशन है वह बढ़िया रहता है। अब हम थोड़ा सा वर्किंग अब आयनो आपको आयनोस्फीयर की थोड़ी सी वर्किंग देख लेते हैं ठीक है। वर्किंग ऑफ आयनोस्फीयर की वर्किंग के बारे में अगर हम बात करें आपसे तो ब्लैक पेन का तो आपको पता है कि दिन में क्या हो रहा है यह दिन में N2O2 जो है सो ब्रेक हो रहा है और थिन लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है और नाइट में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और वेव जो है सो आपका पास नहीं होता है बढ़िया कम्युनिकेशन होता है ये हम लोगों ने सीख लिया है ठीक है। तो अच्छा आपको सुनाई देता है। अब यहाँ पे जो आयनाइजेशन होता है मैनी आपको सब लेयर्स में फॉर्म होता है ठीक है। जैसे आपको ट्रोपो में होता है एस्ट्रेटो में होता है मीजो में होता है तो आयनाइजेशन जो है आपका तो यह सब लेयर में होता है जैसे आपका ट्रोपो एस्ट्रेटो और मीजो में होता है। तो ये जो है सो अलग अलग सब लेयर में आयनाइजेशन होता है। तो इसमें आपका मान लो अगर हम कहें कि यह जो है सो आपका यह ए लेयर है यह बी लेयर है और सी लेयर है और फिर डी लेयर है ठीक है। तो ये जो है सो अलग अलग लेयर में हो रहा है इसमें से आपका डी लेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ओके। जो आपका डी लेयर है ना वह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो डी लेयर में एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पे तो लॉन्ग जो साउंड वेव होता है वह इसको क्रॉस नहीं करता है जो लॉन्ग साउंड वेव है वह आपका डी लेयर को क्रॉस नहीं करता है। बाकी ए लेयर को बी लेयर को सी लेयर को क्रॉस भी कर गया तो डी लेयर को वह क्रॉस नहीं करेगा। जब डी लेयर क्रॉस नहीं करेगा तो उसको रिटर्न होना पड़ेगा और यहाँ पे जो है सो आपको
रिटर्न होता है, अलाउ करता है मीडियम एंड शॉर्ट वेव को, ठीक है। तो यहाँ पे डी लेयर जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जैसे यह आपको क्या करता है, लॉन्ग साउंड वेव को यहाँ पे एंड लॉन्ग साउंड वेव नॉट क्रॉस द डी लेयर रिटर्न टू अर्थ, अलाउ करता है मीडियम और शॉर्ट वेव को। तो यहाँ जो है आपका मीडियम और शॉर्ट वेव को अलाउ कर देता है, लेकिन लॉन्ग साउंड वेव को क्या करता है, यह अलाउ नहीं करता है, नहीं पार करने देता है, ठीक है। तो अच्छा हमें सुनाई देता है। अब यहाँ पे एक और रीजन है, वह है आपका ई लेयर। तो हम लोगों ने अभी डी लेयर के बारे में देखा, अब हम लोग यहाँ पे जगह है हमारे पास में, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं ई लेयर के बारे में। तो ई लेयर में आपका ई वन और प्लस ई टू हो गया, ठीक है। ई लेयर में ई वन और प्लस ई टू हो गया, तो ई लेयर में एक्चुअल में क्या होता है, इसको ई रीजन भी कहते हैं, और यह जो है सो रिफ्लेक्ट करता है मीडियम वेव को। तो ई वन जो है आपका ई वन जो है वह रिफ्लेक्ट कर रहा है मीडियम वेव को, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या है, यहाँ पे जो शॉर्ट वेव है ई टू के ऊपर एवं एफ वन एफ टू के नीचे लेयर से बैक टू अर्थ होता है, मतलब कि यह जो है सो मीडियम रेंज को आपको रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, और ई टू जो है आपका वह आपको क्या कर रहा है, तो वह जो है सो आपका रिफ्लेक्ट करेगा ई टू के ऊपर एंड एफ वन एफ टू के बीच में जो है सो यह लेयर से जो है सो बैक टू अर्थ आएगा। तो यह जो है सो आपको ठीक है, तो ई वन आपको जो है सो डी लेयर जो है आपका लॉन्ग वेव को रिटर्न कर देता है। उसके बाद में ई वन लेयर जो है वह क्या करता है, मीडियम वेव को रिटर्न करता है, और ई टू लेयर जो है वह क्या करता है आपको शॉर्ट वेव को जो है सो यहाँ पे रिटर्न करेगा। ठीक है, तो लॉन्ग वेव को आपका डी वाला रिटर्न कर दिया, और ई वन और ई टू जो है सो मतलब कि यहाँ पे ये जो है सो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और यहाँ डी हो गया। तो जो डी है वह क्या करता है आपका, यह जो है सो आपका लॉन्ग वेव यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, और ई वन और ई टू में देखिए ई वन जो है सो मीडियम वेव को रिटर्न कर रहा है, और ई टू जो है सो शॉर्ट वेव को, ओके। तो ये जो है सो आपका जो लेयर्स हैं उसके जो है सो हमें आपको गणित समझा दिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा जी लेयर के बारे में बात कर लेते हैं, जो उसके बाद में, ये इम्पोर्टेंट है भाई, इसको अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। तो डी लेयर शॉर्ट वेव हो गया, मीडियम वेव हो गया, और उसके ऊपर हो गया, ठीक है। अब ये हमारा हुआ जी लेयर हुआ, ठीक है। तो आपका जो जी लेयर है, इस लेयर में आपको प्रोटॉन ज्यादा मिलता है, जी लेयर है बिंग गुड अमाउंट ऑफ द प्रोटॉन, क्योंकि यहाँ पे ये बम्बार्डमेंट होता है, तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है सो बम्बार्डमेंट कारण एक्स रेज और गामा रेज जो है सो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अलग कर देता है।
एक्स और गामा जो है से यहाँ पे ओ टू और एन टू को ब्रेक कर देगा, और ब्रेक कर देगा तो यह जो है सो ऊपर प्रोटोन और नीचे जो है सो आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो यह कॉस्मिक रेज को रोकता है और यह प्रकाश, यह तरह से आपको यहाँ पे प्रकाश होता है तो टकराने से आपको, तो यहाँ पे आपको यह ऊपर से जो आपका कॉस्मिक वेव जो सूरज से आ रहा है उसको यह क्या करता है, रोकता है। तो जब रोकता है तो आपका ये पृथ्वी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि यह लेयर जो है सो जी लेयर है और यहाँ पे यह जी लेयर है, तो ऊपर अगर होगा तो यहाँ पे इसको बोला जाता है ऑरोरा। ऑरोरा मतलब कि चमकदार होता है, ठीक है, और ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया से नीचे वालों को याद रखिएगा कि ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, ओके। तो यह जो है सो जी लेयर का यह काम है कि जितना भी सूरज से आपका वेव आता है उसको यह क्या करता है, यही बॉम्बार्डमेंट होता है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज टकराते हैं तो आपको यहाँ से बिजली जैसे चमकते हुए दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे यह घटना जो है होता है वह 80 से लेकर के 200 किलोमीटर के बीच में होता है, एट्टी टू 200 किलोमीटर के बीच में यह फेनोमिना होता है, ठीक है, साउथ में और नॉर्थ में। अब यहाँ पे थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो आप समझ लो, बहुत ज़्यादा नहीं है इम्पोर्टेंट, बट फिर भी चलिए हम समझा देते हैं। तो यह क्या चीज़ है कि आपका इसके ऊपर भी आपका दूसरे दूसरे लेयर हैं, जैसे आपको किनली हेवी साइड लेयर हो गया और बार नेटवर्क करता है इंसार्ट वगैरह। अब रेडियो जो है आपका, रेडियो जो है सो आपको एक तरह से सरफेस वेव को कैच करता है, तो यहाँ पे रेडियो कम्युनिकेशन, तो यह जो है सो वॉयस कम्युनिकेशन है, ठीक है, इवन ई टू लेयर से आपको आ जाएगा। और यहाँ पे हो गया आपका टीवी कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे यह सैटेलाइट से आता है। तो जनरली आपसे अगर क्वेश्चन कोई पूछता है कि बताओ रेडियो कम्युनिकेशन में हम लोग जो वॉयस आ रहा है, तो टीवी कम्युनिकेशन में वॉयस जो लौटेगा वह आपको मान लो कि E1 से लेकर के आपको जी, ये E1 से लेकर F के बीच में आपका नीचे लौट रहा है, और जो पिक्चर है वह सैटेलाइट से लौटेगा। तो ऐसा नहीं होता है, ये आपको घुमाने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। यहाँ पे आपको यह बोलना है कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में हमें सीधे जो है सो 36,000 किलोमीटर से नीचे आता है, ठीक है, तो यहाँ पे उसका कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझ लेना है। तो इसमें इतना ही था, ठीक है, थैंक यू।